नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे शिक्षक नियोजन को लेकर। देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार लगातार कठोर प्रतिबंध लगा रही है। ऐसे में बिहार में शिक्षण संस्थानों को खोलने को लेकर पाबंदियाँ लगा दी गई है। ऐसे में कहा जा रहा है कि क्या बिहार में जारी शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया में रोक आ जाएगी। तो बिहार सरकार ने इसको लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि प्रदेश में छठे चरण के प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत पहले ही बताया गया है कि 10 जनवरी से 25 फरवरी के बीच में छठे चरण के नियोजन प्रक्रिया के तहत 70,000 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने साफ साफ कहा है कि राज्य सरकार निर्धारित शेड्यूल पर काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र बांटने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जारी नियोजन प्रक्रिया के अंतिम चक्र में प्रस्तावित 12,000 पदों के लिए होने वाली काउंसलिंग अछूती रहेगी। उन्होंने बोलते हुए यह भी कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए निर्धारित शेड्यूल के दौरान काउंसलिंग कराई जाएगी। सभी नियोजन प्रक्रियाओं को इस दिशा में पहले ही सचेत किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि लगभग 1100 नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग कराई जानी है। बता दें कि वर्तमान में जारी छठे चरण के प्रारंभिक शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग और नियुक्ति 28 जनवरी तक होनी है। चयनित प्रारंभिक शिक्षकों के चयन की नियोजन प्रक्रिया 10 जनवरी से 18 फरवरी तक पूरी होनी है। 18 फरवरी को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। हालांकि शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि अगर वर्तमान उपायों से कोविड पर नियंत्रण नहीं हुआ तो समय आने पर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल नियोजन की प्रक्रिया प्रतिबंधात्मक कदमों से बाधित नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि नई नियोजन इकाइयों के गठन की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। उन्होंने कहा कि नियोजन इकाइयों को नियोजित प्रक्रिया पूरी करानी है, इसलिए सभी की निगाहें नए मुखियाओं, समितियों के सदस्यों और प्रमुखों पर टिकी हुई है। अगर हम प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों को देखें तो इसमें ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही है। ऐसे में बिहार सरकार की तरफ से लगातार सतर्कता बरतने की बात कही जा रही है। साथ ही कई चीज़ों में पाबंदियां भी लगा दी गई है। ऐसे में इधर शिक्षा मंत्री ने भी कहा है कि अगर कोरोना के मामले में कमी नहीं आती है तो शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में बदलाव किया जा सकता है। फिलहाल की स्थिति में किसी भी तरह की कोई बदलाव की बात नहीं कही गई है। ऐसे में अब देखना है कि शिक्षक नियोजन पर कोरोना का साया लगता है या नहीं। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।